चिताब में कोरोना वैक्सीन की शीशियां लेकर दिन भर बैठे रहे टीकाकर्मी, नहीं आया कोई वैक्सीन लेने वाला। शेरघाटी प्रखंड की चिताब ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन में कोरोना टीके की शीशियां लेकर सोमवार को चिकित्सक और टीकाकर्मियों की टीम दिन भर बैठी रही, मगर कोई भी ग्रामीण जानलेवा बीमारी से बचाव का टीका लेने नहीं आया। प्रखंड के दूसरे ग्रामीण टीकाकरण केंद्रों पर भी टीका लेने वाले ग्रामीणों की उपस्थिति बेहतर नहीं रही। बता दें कि शेरघाटी प्रखंड के अनुमंडलीय अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र सहित समूचे प्रखंड में 4 टीका केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे केंद्रों में 45 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुषों को बगैर किसी पूर्व रजिस्ट्रेशन से कोरोना के बचाव के टीके दिए जा रहे हैं। अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक और कोविड केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि चिकित्सा टीम सुबह में निर्धारित समय पर कोरोना वैक्सीन की शीशियां और आवश्यक उपकरण लेकर पहुंच जा रही है, मगर जन भागीदारी के बगैर टीकाकरण के लिए अपेक्षित संख्या में ग्रामीण नहीं पहुंच रहे हैं। सोमवार को अनुमंडलीय अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में 104 लोगों को टीके दिए गए, जबकि चिताब केंद्र पर शाम में टीका का काम बंद होने तक टीका लेने वाले लोगों की संख्या शून्य बनी रही। श्रीरामपुर में सुबह से शाम तक केवल 7 लोग टीका लेने के लिए आए, चिरकी में यह संख्या 10 तक ही सिमट कर रह गई। इस बीच शेरघाटी में नगर पंचायत की मुख्य पार्षद लीलावती देवी ने भी सोमवार की दोपहर कोविड केंद्र पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। कुमारी प्रेमलता और पूजा वर्मा की टीम ने मुख्य पार्षद को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया।